हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं के शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को परीक्षा में बड़ी राहत दी है। ऐसे छात्र इस बार बोर्ड परीक्षा में कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। विकलांग छात्रों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श दाता की ओर से प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसमें प्रमुख कारण बताते हुए कंप्यूटर की सुविधा की सिफारिश की गई हो तभी अनुमति मिलेगी। CBSE की परीक्षा समिति ने अपनी हालिया बैठक में इस साल से विशेष जरूरत वाले छात्र छात्राओं को रियायत देने संबंधी मुद्दे का समाधान कर दिया है। इसके बाद जारी आदेश में कहा गया है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल उत्तर टाइप करने, बड़े आकार के शब्दों में प्रश्नों को देखने और प्रश्न सुनने में किया जा सकता है। ऐसे छात्र जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहेंगे उन्हें अपने साथ फॉर्मेट किया हुआ लैपटॉप या कंप्यूटर लाना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसा डाटा ना हो जिसका इस्तेमाल छात्र अपना क्वेश्चन पेपर हल करने में कर सके। केंद्र व्यवस्थापक अपने स्तर पर जांच कर इसकी पुष्टि कर लेने के बाद ही इस्तेमाल की अनुमति देंगे। इसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए उत्तर के प्रिंट आउट पर कक्ष निरीक्षक इसकी पुष्टि करेंगे। इसके अलावा बोर्ड ने रीडर प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। रीडर ऐसे मामलों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां विशिष्ट छात्रों को कंप्यूटर या लैपटॉप की जगह प्रश्न पत्र पढ़ने की किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, CBSE काफी अच्छे फैसले ला रही है। अभी कुछ ही दिन पहले CBSE ने एक नया फैसला लिया था कि हाई स्कूल की परीक्षा में अब आपको इंटरनल और आपके बोर्ड परीक्षा के दोनों के मार्क मिलाकर 33% मार्क हो जाए तो आप पास माने जाएंगे। वो भी काफी अच्छा फैसला था और ये फैसला भी काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए CBSE के ये कदम आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।